गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, पाठ आठ चलेंगे। भारत रत्न डॉक्टर कलाम। अब एट पार्ट जो है उसमें भारत रत्न डॉक्टर कलाम साहब के बारे में दिया हुआ है, जो अभी हम पढ़ाएंगे आपको। क खलु भारतवासिया न जानती महते वैज्ञानिकस्य डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम महामहोदयस्य नाम। कह रहा है कि कौन नहीं जानता, भारतवासी लोग कौन नहीं जानते वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। भारतस्य वैज्ञानिक प्रगतो डॉक्टर कलाम महाभागस्य महत्वपूर्ण योगदान अस्ति। ये डॉक्टर कलाम साहब जो थे वे उनका बड़ा ही योगदान था। परमाणु वैज्ञानिक अस्माक देशे यावती प्रगति अकृत। परमाणु विज्ञान का हमारे देश में बहुत ही प्रगति था। तत्र असेव महापुरुष महता अवदान विदते। इसके बारे में इनकी बहुत ही ख्याति थी। पोखरण बम विस्फोट का यदा भारत देशे परमाणु शक्त्याम देशानाम कोटो समविष्ट तदा एतस्य वैज्ञानिक चर्चा न केवल देशे अपितु निखिल विषय अवतः। इनका केवल भारत में नहीं विदेश में भी इनका बहुत ही प्रसिद्धि था। अयम वैज्ञानिक श्रेष्ठा सद्व्यवहार कुशलाशीला विद्वान चिंतक देशभक्त सर्वेशाम आदर्श कल्प च विद्वती। यह वैज्ञानिक श्रेष्ठ व्यवहारशील विद्वान चिंतक देशभक्त और सभी आदर्श कल्पों को निर्धारण करने वाले थे। अस्य महापुरुषा जन्म तमिलनाडु प्रदेश से रामेश्वर नामक नामना नगरे समान मुस्लिम परिवारे अवत। यह महापुरुष का जन्म तमिलनाडु प्रदेश के रामेश्वर नगर में हुआ था, मुस्लिम परिवार में। अस्य पिता श्री जैनुलद्दीन, माता चा श्रीमती आसियमा आसीन। इनके पिताजी का नाम जैनुलद्दीन था और माता का नाम आसियमा था। एतस्य महाभागस्य प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वर नगर एव जाता। इनकी प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वर में हुआ था। माध्यमिक कक्षासु पठतो अयम रुचि विज्ञानी विशेषम वैज्ञानिक शास्त्रीय अवत। माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ने के लिए इनकी रुचि विज्ञान में थी। स्वक्रियार्जम वैज्ञानिक प्रेरणायाम स्वप्रतिभाया प्रश्न में चु विज्ञानम सफलता अभियानम। असो निरंतर नूतन गणवेशाम कत्वा स्वशिक्षक नापी आश्चर्य कृत्वाम अकृत। ये छोटे छोटे ऐसे आविष्कार के जिससे शिक्षक लोग भी चकित हो जाते थे। ऐसा वैज्ञानिक कर्ण मूर्धन्य प्रक्षेप शास्त्राणाम निर्माण दक्षा आसीत। अधुना अस्माक सेननयाम पार्श्व यावती प्रक्षशस्त्री सन्ति तेषां प्रमुखानां निर्माणम अयमेव अकरुत। यह अनेक तरह के वैज्ञानिक शोध किए अणु परमाणु के बारे में। अनेक त्रिशल आकाश बहिमास पृथ्वी नाग अग्नि इत्यादि प्रक्षेप शस्त्राणि निर्मितानि भारतस्य भारत देश न केवल शक्ति संपन्न अपरिक्त शत्रु राष्ट्रे अपि सुरक्षित जाता। असेवा महाभागस्य योगदानेन वयम् अंतरिक्षे
विज्ञानों अपि महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त, अंतरिक्ष के बारे में भी ये बहुत महत्वपूर्ण प्रगति पर लाए। अधुना भारत देशे इस समय भारत में उपग्रह नक्षत्र परीक्षण में समर्थ हैं। संपत्ति तु वयम विश्व अनेश्याम देशानाम ग्रहाणी अपि प्रक्षिप्त सक्षमा सक्षमा सम अस्माक चंद्रयान सफलतानपि कलाम महोदय प्रमुख अवदान करुता। हमारा चंद्रमा पर जाना सफलतापूर्वक यह कलाम महोदय की प्रमुख उपलब्धि है। भारतस्य वैज्ञानिक प्रगति एतस्य वैज्ञानिक वरेण योगदानस्य भारत सरकार अस्मै भारत रत्न इति बिरुदेन अलंकृता। कलाम साहब को भारत रत्न की उपाधि दी गई। ये भारतस्य राष्ट्रपति पदम विभूषिता, या भारत के राष्ट्रपति पद पर विभूषित हुए। तदानापि महापुरुषो देशस्य कल्याणम निरंतर प्रयत्न करता। ये महापुरुष हमारे देश की कल्याण में लगातार प्रयत्नशील रहे। अधुनामपि अभी भी महाभागे छात्राणाम वैज्ञानिकानाम विद्वान चिंतकानाम समाज सेवी च कृते आदर्श वर्तते। इस समय भी हमारे छात्र वैज्ञानिक विद्वान शुभचिंतक समाज सेवी लोग इन्हें आदर्श मानते हैं। एतस्य निखिले ये पूरे विश्व में जीवन देशाय समर्पय, पूरा जीवन देश के लिए दान दे दिए। सर्वेभ्यम प्रेरणायाम विद्यते, प्रेरणा के स्रोत हैं। धन है खलु कलाम महोदय, धन है चेयम भारतम, और धन है भारत की भूमि। इन्हीं शब्दों के साथ ये पाठ 8 समाप्त हो गया।